अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज आफी के अपने यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान से। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं जहां होंगे बाखियत होंगे और हमारी बताई दवाई से जरूर फायदा उठा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हलवा घी कवार के बारे में और जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, किन बीमारियों में काम में लाई जाने वाली दवाई है, कैसे इस्तेमाल इसे करना है और क्या इसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा YouTube चैनल यूनानी ज्ञान सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया दोस्तों तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले अश्वगंध, नागौरी, इलायची, खुर्द, अम्बा, हल्दी, ताल मखाना, तज, सालम मिश्री, कुलंजन, दालचीनी, जंजबील, शतावर, शकाकुल मिश्री, करणफल, कुश्ता शीरीन, मालकंगनी, मजीट, मगज अखरोट, मगज बादाम, मगज नारजील, सफेद मूसली, संबल, घी कवार, सब्ज, घी, शक्कर सफेद, खोया, खजूर, मैदा, गंदुम, अर्घ, केवड़ा, सतलोमान और सतलेमन के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। बात करें अगर घी कवार, जैसे कि इसका नाम से पता चलता है कि हलवा घी कवार है, तो इसके अंदर घी कवार सब्ज यानी घी कवार को इसमें जो है, घी कवार का जो पेड़ होता है, जो उसकी जो एक किस्म की मोटी हुई जो कली होती है वो पूरी लंबी, तो उसके अंदर से घी कवार के अंदर से जो पल्प निकलता है उसको निकाल कर तो उसके साथ में ये सब दवाइयाँ जो पीस कर और ये मिलाई जाती हैं, तो तब ये बनाया जाता है। ये बहुत ही जानदार नुस्खा बन जाता है। घी कवार अपने आप में बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है और दवाई का भी काम करता है दोस्तों। तो बात कर देखे अगर फॉर्मूला ताल मखाना, सालम मिश्री, कुलंजन और अश्वगंध नागौरी है और कई तरह के इसमें मगज है, मगज बादाम, अखरोट वगैरह है, नारजील, सफेद मूसली, तो ये बहुत शानदार नुस्खा इसका बन जाता है। खजूर इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया एक फल है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया ये चीज है। बात करते हैं किन किन बीमारियों में काम में लाया जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो और वो किसी भी चाहे कारण से हो, वो किसी भी वजह से हो चाहे, और किसी भी वजह से या किसी भी कारण से शरीर में रहने वाला दर्द, जोड़ों में रहने वाले दर्द में काम करने आने वाली दवाई है, और जॉइंट पेन और पावर स्टेमिना की कमी मर्दों में काम में लाए जाने वाले ला सकते हैं। जिनमें पावर स्टेमिना में कमी है किसी भी कमजोरी की वजह से, पुरुषों में आई कमजोरी या पैरों में इस्तेमाल किया जाता है, पैरों की पिंडलियों में दर्द, खांसी, अस्थमा और स्वप्न दोष और शीघ्र पतन, इन दोनों बीमारी में भी काम में लाया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत ही जानदार एक एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही जानदार ये आपके लिए एक हलवा हो जाता है, और सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। वैसे भी इसके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, आप गर्मी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। बात करते हैं हमदर्द के, 250 ग्राम के पैक की कीमत 100 रुपए के आसपास आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 20 से 25 ग्राम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में आप थोड़ी डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में 20 ग्राम तक, 25 ग्राम तक आप इसकी डोज इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं कि दूध से लेना पानी से, आप दूध से लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ भी लोग हमें बताते हैं कि भाई हमें दूध से एलर्जी है, तो वो दूध से ना लेके पानी से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध से इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पानी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो कमजोरी किसी भी तरह की है, बीपी जिन लोगों का कमजोरी की वजह से घटता है, नींद सी आती रहती है, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है, ये जिन लोगों को चलते हुए चक्कर आते हैं बहुत, कमजोरी बहुत है, जब उठने के बाद में आंखों के सामने अंधेरी सी आ जाती है और काला काला सा हो जाता है इस तरह का, तो जो इस तरह की लोग दिक्कतों से जूझ रहे हैं वो इसका इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और लोग भी फायदा उठाएं, इसे शेयर तो जरूर कीजिएगा और हमारी नई वीडियो देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव हमसे लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कीजिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश